कोटा से भी लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी आने के बाद आंकड़ा 262 पर पहुंच गया। इस दौरान 10 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मौत भी हो गई है और इसी के साथ कई मरीज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। राहत की खबर, कोटा में अभी तक 211 पॉजिटिव रोगी 2 बार जांच में नेगेटिव आ गए हैं। इसी के साथ 133 रोगियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात करें तो 262 पर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। मगर कोटा शहर से एक बेहतर खबर ये भी आ रही है कि लगातार चिकित्सा विभाग का कार्य भी सराहा जा रहा है और लगातार कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील है जो न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक हैं। उनसे सीधी बात करेंगे किस तरह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो कितना पहुंचा है और किस तरह से उनका इलाज जारी है। अभी वर्तमान में यदि अपन बात करें तो मेरे पास में ये इस अस्पताल में टोटल 278 पेशेंट पॉजिटिव के भर्ती हो चुके हैं। टोटल 278, उसमें से 10 पेशेंट एक्सपायर हुए हमारे और बाकी पेशेंट में से 211 पेशेंट 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं और उन 211 पेशेंट में से हमने लगभग 133 पेशेंट कल शाम तक हमने डिस्चार्ज कर दिए थे। कहने का तात्पर्य मेरा कि यहाँ के जो रिजल्ट हैं अपने कोटा के बहुत अच्छे हैं, 80% से ऊपर रिजल्ट कोटा के आ रहे हैं, क्योंकि 133 पेशेंट अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं 211 में से तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी बात खबर आई है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास में जो एक बार पॉजिटिव आ चुके हैं वो पेशेंट भी 17-18 है। तो पहले कहने का मतलब ये कि मेरा मुश्किल से 50 से 60 पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास चल रहे हैं, बाकी ज्यादातर पेशेंट नेगेटिव हमारे पास। सर, जिस तरह से चिकित्सा कर्मी की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, नर्सिंग स्टाफ है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? इसको तो ये कि अगर कोई पेशेंट अगर जाता है और वो जो चिकित्सा कर्मी उसको देखता है तो नेचुरली उसको पता नहीं होता कई बार, तो जैसे अभी गायनी के केस आए, डॉक्टर को पता नहीं था, नर्सों को पता नहीं था कि ये, और वो पेशेंट ऐसे क्षेत्र से थी जहाँ पर पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, तो नॉर्मली गड़बड़ हो सकती है, ऐसी कोई गलती हो सकती है, उन गलती की वजह से ही चिकित्सा कर्मी हमारे इसमें आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। और ऐसे पहले यहाँ पर हुआ जब, क्योंकि यहाँ पर जो संदिग्ध द्वार बनाया था उसमें 2 पेशेंट पॉजिटिव निकल गए और उसकी वजह से एक सिस्टर हमारे यहाँ पर उनसे पीड़ित हो गए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोटा की चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है और बहुत ही अच्छी तरह से इस बीमारी से यहाँ से लड़ा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा।